आज मेरे साथ ब्लॉग में मौजूद है क्योंकि इसको भूख लग रही थी कुकड़ को। ये शख्स जो है ना, ये बर्गर का दुश्मन है। ये इसने डबल अंडे वाला बर्गर भी मस्त फोड़ा था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू कराची फूडीज़। और आज हम मौजूद है गार्डन के एरिया में, शालीमार नागौरी मिल्क शॉप जो जिस गली के अंदर है बहुत फेमस है। तो इस गली में हम आज आए हैं, ये गार्डन वेस्ट का एरिया है। और यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे 60 रुपये का सिंगर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है आवाम के लिए, जो कि बच्चे बूढ़े सबके पहुँच में है और एक आवाम के लिए अच्छा रिलीफ है इस महंगाई के अंदर। तो और ये भी अभी समझ भाई बोल रहे हैं कि ये 60 रुपये का सिंगर है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। क्योंकि हमारी शर्त इसी बात पे हुई है कि अगर तो ये 60 रुपये का जिंगर अच्छा होता है तो फिर जो है वो मैं पे करूंगा, सारे ड्यू जो है मुझ पे आ जाएंगे। और अगर मेरे मुताबिक यार जिंगर जो है वो महंगा अच्छा होता है तो फिर समझ भाई पे करेंगे, सीधी सी बात है। यार 60 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी है जिंगर की, तू मान ले भाई। देखो मैं मानूंगा, जैसे मैं ट्राई करूंगा, अब ट्राई करो, मैं मान लेता हूँ। चले गाइस, आए दिखाते हैं इनको इनका कैसा प्रोसेस है। अच्छा मैं आपको इनका नाम बता दे चलूँ, इनका नाम है फौजी फूड। और फौजी के नाम से सब जानते हैं, सामा फौजी के नाम से इन भाई को सब जानते हैं। इन्होंने छोटा सा अपना सेटअप बनाया है जो कि एक बहुत अच्छा सेटअप है। इनके सिंगर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलो भाई इतना नहीं बोलो, भूख से बुरा हाल हो रहा है यार। चलो यार एक तो तुम करने नहीं देते हो सही से। आज दिखाता हूँ मैं आपको, चले आ जाए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भाई खड़े हुए 60 रुपये का सिंगर खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं इनका इसका टेस्ट कैसा है और ये कितना मजे का है। बहुत अच्छा टेस्ट है भाई, इतनी महंगाई के दौर में इतना सस्ता बर्गर कहाँ मिलता है। ये अच्छी है क्वालिटी, अभी हमने फर्स्ट टाइम खाया, अच्छा है वैसे टेस्ट, बिल्कुल सही है, जो आम बर्गर होता है वही है। लेकिन ये इतनी महंगाई में तब बर्गर बिल्कुल सही रेट में दे रहे हैं, शुक्रिया। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं सब खैरियत है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि मेकिंग कैसे और कैसे 60 रुपये में आप इसको सेल कर रहे हैं। सर बस ये है कि ये हमने आवाम के लिए एक तोहफा निकाला है, तो ये 60 रुपीज़ का जिंगर बर्गर कि ये है कि हर जगह पे कहीं पे 200 का, कहीं पे कितने का, मुख्तलिफ जगहों पे रेटों पे जिंगर बर्गर मिलता है। मगर हमने बोला कि आवाम के लिए कि हम इस महंगाई के दौर में एक सस्ता एक तोहफा लेके आए, जो 60 रुपीज़ में जिंगर बर्गर हम आवाम के लिए पेश करने लगे। ये कि हमारे क्वांटिटी के ऊपर होता है, जितना हमारे क्वांटिटी जाएगी इतना हमारे को प्रॉफिट हमारा बनता है, उसमें हमारे को अल्लाह का प्रोसेस बचत देते हैं, अल्लाह का शुक्र होता है। इसमें जी हमने लॉकडाउन में किया था, ये अगस्त के महीने में तकरीबन 6 मंथ हो गए हमारे को, अल्लाह का शुक्र है। 6 मंथ में ये है कि हमें जो एक दफ़ा हमारे पास से खा के जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमारा कस्टमर लाजमी वो बन जाता है और हमारे पास से ही वो जाता है कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ ब्रांड वाली इस्तेमाल करते हैं, कि कोई चीज़ लोकल हमारे पास इस्तेमाल नहीं होती। जो चिकन है जो बोनलेस होता है हमारे पास, जो अपना चेस्ट का बोनलेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हर चीज़ हम हाई क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। मायनीज़ वगैरह हम लोग ने अपना फ्रांसको की लेते हैं, क्रीमी मायनीज़ लेते हैं, सही है, चिल्ली फ्रांसको वगैरह की हमारे पास आती हैं। और अपनी हम 1000 सॉस बनाते हैं लेके, हमारे अपने डॉन के बर्गर हैं वो आते हैं लेके, हम उसके अंदर ये लोगों को सर्व करते हैं। जी हमारी टाइमिंग है 4 बजे से रात 12 बजे तक, 7 डेज ये ओपन होता है हमारा, कि कोई हमारे वो ऑफ नहीं होता है। पर ये कि कोई हादसा ना अगर कोई हुआ तो बाकी ऐसे हमारा कोई ऑफ नहीं है। अच्छा ये बताइए और बताएं कि कितने कैटेगरीज के सिंगर होते हैं, कितने आपके पास वैरायटी है सिंगर की?
हमारे पास अभी 2 से 3 वैरायटी होती है अभी इंशाल्लाह ताला। ये है कि आप अगर आने वाले दिन में जैसे वो आएंगे तो हमने एक अपना सरप्राइज बर्गर लाएंगे, वो 150 का है, सरप्राइज बर्गर होगा जी हमारा ना। तो वो ये है कि उसमें काफ़ी मुख्तलिफ ना चीज़ें होंगी, सही है ना, और उसको तैयार हम करके उसमें सॉस भी हमारी चेंज डिफरेंट चेंज सॉस होगी, वो बना के हम ये के सर्व करेंगे। बाकी हमारे पास वैसे यूँ नॉर्मली अभी एक जूनियर होता है और एक जम्बो होता है जी हमारे पास, ये 60 का होता है, वो 120 का होता है जी। कराची फूड इसी को सरप्राइज कीजिए, ना भूलिए। अच्छा ये बन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो आप? ये हम डॉन वाला कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो। डॉन की कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा चिकन का पीस जो है ये कितना ग्राम लगा रहे हो आप इसमें? ये 50 ग्राम है भाई, 50 ग्राम का पीस है ये। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये डॉन की कंपनी का बन इस्तेमाल कर रहे हैं और 50 ग्राम जो है वो चिकन का पीस इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा एक चिकन का पीस मुझे ज़रा तोड़ के दिखाओगे? जी सर, आपको तोड़ के दिखाएंगे, खिलाएंगे भी आप कहिए। गाइस आप देख रहे हैं कितना फ्रेश और वाइट चिकन है इनका, और आप चिली सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। चिली सॉस कौन सा है ये? चिली सॉस फ्रांसो कंपनी का सॉस है। और ये क्या इस्तेमाल कर रहे हो? फ्रांसो कंपनी का, फ्रांसो कंपनी का मेयोनीज है। और ये जो है मेरा भाई हमारा अपना सॉस है जो हम खुद बनाते हैं, 1000 सॉस। 1000 जी, 1000 सॉस जी सर। और ये जो है हम, ये हमारा डब्बा जो है ये भी चलता है, चिकन भी गर्म होते हैं और हम बन भी गर्म करके देते हैं। गाइस अभी मैंने चिकन इनका ट्राई करा जो इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे दिया है, वो तो बहुत टाइट था। अब ये जिंगर रेडी हो रहे हैं हमारे लिए, ये ट्राई करके आपको बताते हैं कि इसका रिव्यू आपको देते हैं कैसा है ये। ये देसी जिंगर भी इसको आप कह सकते हैं, मिनी जिंगर भी आप इसको कह सकते हैं, और बाकी जो भी आपसे चाहे गए, लेकिन 60 रुपये में ये फूड क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। गार्डन वेस्ट में शालीमार नागौरी मिल्क शॉप वाली गली में, यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर में ये जिंगर वाला है और 60 रुपये में जिंगर दे रहे हैं। और जिंगर का साइज़ आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये 60 रुपये की चीज़ इसको कॉस्ट पड़ती होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। चलो समझ भाई, बात दरअसल ये है कि कहीं पे भी अगर हमने प्रॉपर जिंगर खाया है तो वो 170-180 रुपये का ही हमें मिलता है, लेकिन अब ये है कि जो साइज़ है इसका, साइज़ तो इसका वही है उनके बराबर। अब देखना ये है कि क्वालिटी सेम है या नहीं है, या टेस्ट में कोई मतलब समझे फ़र्क है या नहीं है, तो अब आपको टेस्ट करके बताएंगे। पहले समझ भाई, फिर मैं, पहले समझ भाई शुरू करें। जिंगर में ट्राई करने लगा हूँ और बता दूँ इसका टेस्ट कैसा है। इसके साथ इन्होंने सॉसेज भी दिया हमें जो कि 60 रुपये में, ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। बेहतरीन क्वालिटी है, सॉसेस भी सारे अच्छी कंपनी के यूज़ हुए हैं इन्होंने, अच्छी हर चीज़, फूड क्वालिटी अच्छी है इनकी। बाकी अरबाज देता है बाकी रिव्यू आपको, मैंने तो पहले भी ट्राई किया है। अरबाज कैसा लगा? बाकी जो बात समझ भाई बोल रहे थे वो सही है कि इस जिंगर में और जो नॉर्मली आप जिंगर परचेज करते हो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इस बड़े डिफरेंस के कि ये वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, वही तमाम चीज़ें आपको सिर्फ 60 रुपये में मिल रही हैं। प्राइस ये दे रहे हैं, सॉसेज ये सारे ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं, लोकल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हो रही है। तो मैं तो ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगा और मैं साथ ही अपने घर के लिए भी पार्सल भी लेके जाऊँगा ताकि घर जाके भी मैं इसको इन्जॉय कर सकूँ। तो आप लोग भी लाजमी यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। अब मैं बताता चलूँ, इनके जिंगर का नाम जो है वो फौजी फूड है। तो ये जिंगर, एक मिनट में ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ उनसे, ये जिंगर लिमिटेड टाइम के लिए तो 60 रुपये का नहीं है ना? ऑलवेज है। अच्छा फौजी फूड इन, इनकी ये जो छोटी सी इन्होंने
शॉप बनाई हुई है, इसका नाम है। और ये जो 60 रुपए का जिंगर, ये ऑलवेज है, कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। भाई समझ भाई, आप तो लगे रहो ऑडियंस से बात करते रहो, मैं तो ये सारे जिंगर इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे नहीं रुका जा रहा भाई। चले अब अपना जिंगर इन्जॉय कर रहे हैं। आप हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी जगह विजिट करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हमारी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और फौजी फूड इन जिंगर पे आना ना भूलें, इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।